हेलो आईफोन यूजर्स, दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे आप लोग अपने आईफोन के स्पीकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट उस वीडियो के नीचे वो काफी सारे कमेंट्स देखने के मिले जो काफी यूजर्स ये कर रहे थे कि उनके आईफोन में ये प्रॉब्लम सॉल्व अभी तक नहीं हुई है। तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नई सेटिंग्स आपको बताऊंगा जिनको आप लोग ट्राई करेंगे तो यहाँ पे श्योर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला मेथड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो यहाँ पे एयरप्ले को ऑफ कर देना। दोस्तों कभी होता यह है कि हम लोग अपने एयरप्ले को यहां पे ऑटोमेटिक पे रखते हैं जिसकी मदद से ये कभी भी किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आपको नेवर रखना है, क्योंकि नेवर रखने से होता यह है कि ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट नहीं होता है। और जो दोस्तों यहां पे हमारा सेकंड मेथड है वो है यहां पे ब्लूटूथ को ऑफ रखना, क्योंकि कभी कभार हमारा ब्लूटूथ भी किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है तो यहां पे हमें ऑडियो सुनाई नहीं देते हैं और ये चीज हमें पता नहीं चलती है क्योंकि हम लोग देखते ही नहीं है। तो यहां पे हमेशा आप लोग मेक श्योर करके रखें कि आप लोग का यहां पे ब्लूटूथ ऑफ हो। दोस्तों यहां पे हमारा थर्ड मेथड है, यहां पे आप लोग को चेक करना है कि आपका यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर ऑफ हो, क्योंकि जब भी आप लोग को अलर्ट स्लाइडर ऑन होता है तो यहाँ पे वो सारे नोटिफिकेशंस और कॉल्स को यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग मेक श्योर करके रखें कि यहाँ पे जो अलर्ट स्लाइडर है वो आपका ऑफ हो और यहाँ से आप लोग देख सकते। दोस्तों जो यहाँ पर हमारा फोर्थ मेथड है, यहाँ पे आपको अपने सेटिंग्स में आना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को आ जाना है साउंड एंड हैप्टिक्स में और यहाँ पे आपका चेक करना है कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बार अगर ये आपका वर्क नहीं करता है तो आप लोग समझ जाइए कि आपका स्पीकर यहाँ पे ख़राब हो चुका है। अगर ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे अप एंड डाउन करके देख सकते हैं कि आपके आईफोन में प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आप लोग ये चेक करिए एक बार। जो दोस्तों यहाँ पे हमारे फिफ्थ एंड लास्ट सेटिंग है, यहाँ पे आप लोग को रिंग टोन्स में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी रिंग टोन सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे चेक करना है कि आपके आईफोन में स्पीकर वर्क कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आईफोन में स्पीकर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे साउंड सुनाई दे रही है तो आप लोग को भी सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके आईफोन में स्पीकर इस वजह से तो बंद नहीं है, तो आपका स्पीकर तो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यहाँ पे साउंड कम या ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों अगर इन सभी सेटिंग्स के बाद भी अगर आपके आईफोन में साउंड प्रॉब्लम देखने की मिल रही है तो आप लोग ट्राई करिए कि आप लोग अपने नियर मार्केट में जाके चेक कराइए आपके आईफोन को, क्योंकि काफ़ी बार होता ये है कि स्पीकर्स ख़राब हो जाते हैं हमारे आईफोन के, दैट्स वाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें कोई भी आवाज़ देखने की नहीं मिलती है। तो आप लोग लोकल मार्केट से इसे चेंज करा सकते हैं या फिर आप लोग एप्पल सपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने एप्पल स्टोर पर जाके भी ये चीज़ आप लोग दिखा सकते हैं, वो लोग आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देंगे। तो दोस्तों कुछ इन तरीकों से आप लोग अपने आईफोन में अगर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर ग्लिच है तो इन सब चीज़ों को ट्राई करके आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने आईफोन। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर आप लोग पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।